डेंगू पर काबू पाने के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तरीका ढूंढ लिया। डेंगू से अमवात के साथ मरीजों का डाटा छुपाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता हफ्ते शहर में डेंगू से 3 अमवात हुई, लेकिन महकमा प्राइमरी हेल्थ ने अमवात को छुपा लिया। रवान साल लाहौर में 6 अमवात ही बताई जा रही हैं, जबकि शहर में 14 अमवात हो चुकी हैं। रूडा का चहार बाग की 100% कामयाबी के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। अहाते आलमगीर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की लॉन्चिंग कर दी गई। अहाते आलमगीर प्रोजेक्ट में 4 15-15 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। बुकिंग शुरू हो गई है। बकिया रकम 5 साल की आसान इकसात में अदा की जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 1 क्लिक बुकिंग कर सकते हैं। लेक सिटी और स्टेट लाइफ के मुआहदे को गलत रंग दिया गया। अदालती फैसले के बाद लेक सिटी मुआहदा करेगी। लेक सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहरुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि एक टीवी चैनल पर जाली मुहिम चलाई जा रही है, मुहिम की तरदीद करते हैं। गजनफर इकबाल बोले, मुनस इलाही राजा बशारत से ताल्लुक नहीं है, सोसाइटी के फैसले मेम्बरान करते हैं। लाहौरिये हो जाए तैयार, 18 घंटे गैस लोड शेडिंग होगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने फैसला कर दिया। घरेलू सार्फिन को खाना पकाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। दोपहर में 12 से 2 और शाम को 7 से 9 बजे तक चूल्हे जलेंगे। SNGPL ने टीमें तश्कील दे दी। वजीर आला का पुलिस वर्दी की तबदीली का दावा धरा रह गया। 2.5 लाख ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल। खरीदारी के लिए DIGs की सरबराही में 7 कमेटियां तश्कील। कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा। शहर के 9 टाउन्स के सब रजिस्ट्रार्स ने ईस्ट स्टाम्प रूल्स की खिलाफ वर्जी मामूल बना ली। रूल 9 और 15 की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। रूल्स के मुताबिक टेम्पर्ड ई स्टाम्प पेपर्स काबिले इस्तेमाल नहीं हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस ले लिया। टेम्पर स्टाम्प पेपर के इस्तेमाल पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना होगा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 212 रिकॉर्ड की गई। डिफेंस में AQI की शरह 295, कोट लखपत में 252 रिकॉर्ड की गई। शहर में तेज धूप निकलने से दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जिले इंतजामिया का इस्तेदाद स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। इस्तेदाद स्मॉग के लिए पटवारियों और मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की ड्यूटियां लगा दी गई। DC के मुताबिक तहसील शालीमार में 132 यूनिट्स की चेकिंग की जाएगी। सील किए गए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ना तोड़ने की हिदायत। दूध की तैयारी में मुर्दा खानों के केमिकल की मिलावट का इंकशाफ। कसूर रोड पर छापे के दौरान जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। यूनिट से 12,500 लीटर दूध, 50 किलो स्किम्ड मिल्क बरामद कर लिया गया। 32 लीटर ऑयल और केमिकल भी बरामद किया गया। 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। EVM का बल्दियाती इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नामुमकिन करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल पर एतराज उठा दिया। इलेक्शन कमीशन कल इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए 4 इजला के लिए 5 अरब मांग लिए। तलागंग, कोटद्दू, मरी, वजीराबाद के लिए 4,388 नई आसामियां भी मांगी गई हैं। महकमा खजाना के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद बजट जारी होगा। 4,388 नई आसामियों की मंजूरी भी काबीना देगी। गंदम की खरीदारी में वफाकी हुकूमत रुकावट। गंदम के स्टॉक में कमी पर महकमा खुराक ने नई पेशगोई कर दी। नई गंदम की खरीदारी ना की तो मुतादिद इजला का कोटा मनसूख करना पड़ेगा। महकमा खुराक पंजाब ने वजीर आला पंजाब को भी आगाह कर दिया। DC मोहम्मद अली का लाहौर चैम्बर का दौरा, अहदेदारान से मुलाकात। DC का डेंगू के खात्मे के लिए तावन का मुतालबा।
एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैंबर हाजी मुजाहिद मकसूद बट भी मुलाकात में शरीक थे। अफसरान की किल्लत या मनपसंद अफसरान की तलाश, हुकूमत ने नए अजला में डिप्टी कमिश्नर तैनात न किए। करीबी अजला के डीसी को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डीसी मुजफ्फरगढ़ को कोटद्दू और डीसी रावलपिंडी को मरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डीसी गुजरात वजीराबाद और डीसी चकवाल तलागंग को देखेंगे। सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना, प्राइमरी स्कूलों के लिए छपवाई गई 76,000 लीटर लाइब्रेरी बुक्स गायब। किताबें ना मिलने से प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की निसाबी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। एक बुक की छपाई पर 2500 रुपए लागत आई। असातिज़ा का पहली जमात के लिए लाइब्रेरी बुक्स की फराहमी का मुतालिबा। फिजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक लाउंज में मुसाफिरों को मुफ्त चाय देने का फैसला किया गया है। CAA इंटरनेशनल डोमेस्टिक लाउंज में चाय के काउंटर्स लगाएगा। मुफ्त चाय की सहूलत लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर होगी। IG फैसल शाहकार और दीगर पुलिस अफसरान पर अदालती हुकुम उदूली का इल्जाम, तौहीने अदालत की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट का नोटिस, जवाब तलब कर लिया गया। CTO मुंतजर मेहदी, एडिशनल सेक्रेटरी होम से भी जवाब तलबी। IG के खिलाफ तौहीने अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 9 हो गई। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में 22 करोड़ के फर्नेस ऑयल चोरी का मामला, एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। जज अली जुल्कर नैन आवान ने फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत केस की समाप्त का इख्तियार नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून हाईकोर्ट में चैलेंज, अदालत का FBI को नोटिस जारी, जवाब तलब। फरीकैन के वकला भी आइंदा समाप्त पर बहस के लिए तलब। दूध के पैकेट तब्दील ना करने और हिरासत करने का मामला, लाइफ केयर फार्मेसी बटचौक ताजपुरा के खिलाफ हट जाने का दावा दायर। ताजपुरा के मोहम्मद फैसल के दावे पर सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार वकील को आज बहस के लिए तलब कर दिया। सब्जियों को 10 से 15 रुपए किलो तक महंगाई का तड़का, प्याज 135 की बजाय 160, टमाटर 200 की बजाय 240, लहसुन 235, अदरक 300 रुपए प्रति किलो में फरो। PHFMC के मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात के लिए फैसल चौक पर धरना। धरने में मर्दों समेत खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। हुकूमत से फौरी रेगुलर किए जाने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम पश्तून काउंसिल का एहतजाज, गेट नंबर 1 के बाहर धरना। गिरफ्तार चेयरमैन काउंसिल की रिहाई का मुतालिबा। तलबा की यूनिवर्सिटी के अहाते में पुलिस ऑपरेशन की मुखालिफत। MNA वहीद आलम खान का UC 237 का दौरा, सियासी सूरत हाल और मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वहीद आलम खान ने दी इस्लामिक अकेडमी के मास्टर शाहिद की वालिदा की वफात पर फातिहा खानी की। और नेशनल वेटरन सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट शाह फैसल ग्राउंड पर आशियाना बॉयज और आबी केबल्स की टीमें मध्य मुकाबल। टूर्नामेंट में लाहौर की 31 टीमों समेत सेंट्रल पंजाब की 37 वेटरन टीमें शरीक हैं।